हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयर साहब। और आज हम डिस्कस करेंगे सेल है क्या, जो कि बात करी गई है सेक्शन 54 एंड 55 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेक्शन 54 कहता क्या है, जिसमें सेल को डिफाइन करा गया है, फिर कैसे की जाती है सेल। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इसेंशियल्स क्या क्या है वैलिड सेल करने के लिए, और फिर आती है लाइबिलिटी बायर की भी और सेलर की भी, दोनों आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 55 में बात करी गई है। तो देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन 54 सेल डिफाइन, जिसकी हेडिंग है वो है सेल डिफाइन। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। तो सेल जो है, सेल एक तरह से अगर हम कहें तो ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। सबसे पहली बात, सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है किसके बदले, प्राइस के बदले, पैसे के बदले। जो कि ए और बी है, ए और बी को सेल करनी है, ए के पास धरती है, बी के पास पैसे है, ए ने बी आया, बी ने पैसे दिए 1,00,000 रुपए, और अब जो है जो ये प्रॉपर्टी है, ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो इसे किसके नाम करनी पड़ेगी, बी के। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये सेल कहलाती है। इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, सबसे पहले पोजेशन को नहीं गिनते, जब प्रॉपर ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप का वो सेल कहलाता है। या तो उन पैसों को हम एकदम दे सकते हैं, या कुछ अभी देके फर्दर फ्यूचर में कुछ पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज देखने की है। और इसमें एक बात और है, अगर हम कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई ए बी के सामने कहता है कि अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें ये ट्रांसफर कर दूंगा, सेल कर दूंगा वीडियो, तो उसमें भी ये जो है सेल हो सकती है। जहां भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा वहां पे सेल आएगा, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखते हैं कि सेल कैसे की जाती है, सेल हाउ मेड। इन द केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर जिसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपए या उससे ऊपर, 100 रुपए या उससे ऊपर, तो ये आता है कि ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमें उस सेल को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए उसका, अगर उसकी जो वैल्यू है 100 या 100 से ऊपर की है। अगर 100 रुपए से नीचे की है तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमें जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कराना पड़े, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मतलब एक लीगल डीड बनानी पड़े, डीड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े ट्रांसफर के। तो ये चीज याद रखेगी, या तो 100 रुपए है या 100 रुपए से ज्यादा तो हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू जो है 100 रुपए से कम है तो जरूरी नहीं है कि हम जो जैसे मैं कहता कि जरूरी नहीं है कि हम उसे रजिस्टर कराएं। और फिर आप जैसे देख रहे होंगे कि अब भाई अब हम रजिस्टर नहीं कराएं तो कैसे पता चलेगा, हम जो है डायरेक्ट जो होती है उसकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर देते हैं, मतलब कि वो दूसरे जो खरीदने वाला है उसके, मतलब कि एक तरह से उसका पोजेशन उस पर आ जाता है प्रॉपर्टी पे जो उसने खरीदी है। ये हो गया सेल हाउ मेड। अब पढ़ते हैं कि इसेंशियल क्या है वैलिड सेल करने के, सबसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे पार्टीज, क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी, ए और बी, खरीदने वाला बेचने वाला, बायर एंड द सेलर। तो पार्टीज जो होनी चाहिए वो मेजर होनी चाहिए, मेजर मतलब 18 से ऊपर की, साउंड माइंड की होनी चाहिए, कोई भी मतलब की अनसाउंडनेस नहीं होनी चाहिए उनमें, और उनके पास अधिकार हो प्रॉपर्टी को बेचने का, राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। जो सेलर है, बेचने वाला है, उसके पास ये अधिकार हो कि वो प्रॉपर्टी को बेच सके, मतलब कि वो ओनर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सेल में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। फिर आ जाता है कि द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर मतलब कि किस चीज पे डील करेगी जो सेल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल पे। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे करती है आपका सेल्स एंड गुड एक्ट, ये बात रखिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के जो सेल होता है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आता है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, सेल हो रही है, तो वो आएगी आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अब बात करते हैं मनी कंसिडरेशन, यहाँ पे क्योंकि कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की जो फॉर्म है यहाँ पे क्या है, पैसा, मतलब कि पैसे के बदले जब हम कोई चीज खरीदते हैं, इमूवेबल नेचर की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम कोई खरीद रहे हैं पैसे के बदले, तो वो सेल की कैटेगरी में आएगा। तो ये, और जो मनी कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन जो है हम वो एट द मोमेंट भी दे सकते हैं, एकदम पैसे दे के एकदम खरीद ले, या कैसे कर सकते हैं, अभी कुछ दे दे, कुछ पैसे दे दे और बाद में फर्दर हम, जैसे बेनामा का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे बेनामा कर दे प्रॉपर्टी का, कर देते हैं प्रॉपर्टी का, तो मतलब कि कुछ पैसे अभी दे दिए और फर्दर जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो उस टाइम पे हम आपके फर्दर पैसे दे देंगे। अब बात आती है कन्वेंस की,
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब कि यहां पे जो होगा ए टू बी मतलब सेलर टू बायर क्या कन्वे होगा, ओनरशिप का ट्रांसफर होगा कहां से, ओनर से सेलर तक, ये चीज। अब कैसे आता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर हम कैसे कहें, मतलब कि जो ट्रांसफर हो रहा है सेल हो रही है वो किस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डिलीवरी ऑफ पोजीशन कर दे या रजिस्ट्रेशन करा दे डॉक्यूमेंट्स की, सेल डीड की रजिस्ट्रेशन करा दे। अब इससे पहले वाली जो पहले वाली स्लाइड जो थी डिलीवरी ऑफ पोजेशन उसमें होगा जहां वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी की 100 रुपए से नीचे होगी, और रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड जब होगा 100 रुपए वैल्यू हो या 100 रुपए से ऊपर। आप पढ़ते हैं सेक्शन 55 सेलर्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एक तरह से देखा जाए तो ड्यूटीज क्या बनती है बिफोर सेल, सेल से पहले मतलब कि बेचने से पहले क्या क्या ड्यूटी बनती है। अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसे सारे भी जो भी फैक्ट्स हैं कोई भी अगर उसमें डिफेक्ट है तो वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अगर जो बायर है वो कोई क्वेश्चन उठाता है टाइटल के बारे में किससे, सेलर से, तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या उसके पास वो अधिकार है या नहीं है इस प्रॉपर्टी को बेचने का, कि रियल ओनर है या नहीं है। ड्यूटी टू एग्जीक्यूट कन्वेंस मतलब कि देयर इज अ ट्रांसफर, ट्रांसफर होना भी जरूरी है। किसका ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप का। फिर आता है केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द टाइटल डीड, जब तक कि प्रॉपर्टी कहां पे नीचे ली जाती है, जो बायर है उसके पोजेशन में नीचे ली जाती है, तो तब तक क्या होता है, तब तक इसके पास ये अधिकार है, क्या अधिकार है, अधिकार कह रहा हूं, इसकी ये ड्यूटी बनती है कि उस प्रॉपर्टी की देखभाल करे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है टाइटल डीड्स है उनके भी देखभाल करे अच्छी तरीके से। टू पे आउटगोइंग्स मतलब कि अगर किसी भी तरीके का रेंट रह गया है या कुछ किराया विराया रह गया है तो ये इसकी ड्यूटी बनती है बेचने से पहले उसे पूरा कंप्लीट कर दे, मतलब कि पूरे जो है उसकी पेमेंट कर दे। अब बात आते हैं कि क्या ड्यूटी बनती है सेल होने के बाद प्रॉपर्टी की, सेल होने के बाद क्या होता है पोजेशन जो है वो बायर को देना पड़ेगा। दूसरा आता है डिलीवरी ऑफ द टाइटल डीड्स, ऐसे जो जिन डॉक्यूमेंट्स में मतलब कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात करी गई है वो ट्रांसफर करे जाए मतलब कि डिलीवर करे जाए किसे, सेलर टू द बायर। अब बात करते हैं कि सेलर्स के राइट क्या है, बेचने वाले के क्या राइट है, कि टू टेक रेंट मतलब कि अगर ए बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा मतलब कि सेल हुई है प्रॉपर्टी, तो अगर अभी सेलर के हाथ में ही है प्रॉपर्टी मतलब उसके अंतर्गत ही है उसके पोजेशन में है प्रॉपर्टी, तो जब तक उसका रेंट आ रहा है अगर वो कुछ रेंट अवेल कर रहा है इस प्रॉपर्टी, तो सारा अधिकार जब तक उसके पोजेशन में है सारा रेंट जो है वो सेलर को मिलेगा, बेचने वाले को मिलेगा। फिर चार्ज फॉर प्राइस अनपेड, अगर सेलर और बायर है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन क्या करा उन्होंने अब वो नहीं करा, पैसे जो थे वो प्रॉपर पे नहीं करे, तो क्या होगा यहाँ पे जो सेलर है वो चार्ज कर सकता है उन पैसों के लिए जो कि उसे दिए नहीं गए हैं बायर के द्वारा, उनके लिए उन्हें लायबल ठहरा सकता। अब बात करते हैं बायर्स की लायबिलिटी क्या बनती है, जो बायर है जो खरीदने वाला है उसकी क्या लायबिलिटी है और क्या राइट्स है उसके पास। तो अगर देखें बायर्स की सबसे पहले जो लायबिलिटी आती है वो आती है कि टू डिस्क्लोज मटेरियली इंक्रीजिंग वैल्यू। इसका यह मतलब है कि अगर किसी को ये पता है मतलब खरीदने वाले को ये पता है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ चुकी है लेकिन जो दूसरा जो बेचने वाला है उसे ये इस बात का नहीं पता, तो ये ड्यूटी बनती है बायर की कि वो इस फैक्ट को डिस्क्लोज करे किसके सामने, जो बेच रहा है उसे प्रॉपर्टी उसके सामने। टू पे द प्राइस मतलब कि अगर जितने भी उसने प्रॉपर्टी खरीदी है जितना भी 1 लाख 10 लाख 50 लाख वो जो है प्रॉपर्टी का प्राइस वो उसे पे करे खरीदने वाले से। टू बियर लॉस अगर फ्यूचर में अब क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास आ चुकी है बायर के पास, खरीदने वाले के पास उसकी प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके का उसके पास उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे लॉस होता है या किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर की वजह से लॉस होता है, तो ये जो सारा लॉस होगा वो कहां पे आएगा, अब बायर की लायबिलिटी के अंतर्गत गिना जाएगा। या अगली बात करते हैं टू पे आउटगोइंग्स, अब फ्यूचर जो भी रेंट्स होंगे या रिलेटिंग पे आउटगोइंग्स होंगी वो सारी किसे करनी पड़ेगी, अब बायर को, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अब हो चुकी है वो। अब बात करते हैं कि क्या राइट्स रह जाते हैं किसके पास, बायर के पास। टू चार्ज फॉर प्राइस प्रीपेड मतलब कि इसका ये मतलब है कि अगर जो बायर है उसने पहले से ही कुछ अमाउंट जैसे कि 50
₹1 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसने ₹20,000 पहले ही दे रखे हैं। तो अब इसके पास ये अधिकार है बायर के पास, खरीदने वाले के पास, कि अब वो उन ₹20,000 को उन्हीं में टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी में काउंट करवा सकता है। जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 लाख अभी फिर से देने पड़ेंगे उसे और 20,000 उसने पहले से दे रखे, ऐसा नहीं है। फिर आता है बेनिफिट्स फॉर इंक्रीमेंट। अगर ये राइट बन जाता है, अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है, बी ने प्रॉपर्टी खरीद ली है ए से, तो अगर अब फ्यूचर में उसने खरीदी 1 लाख की, अब प्रॉपर्टी हो गई 2 लाख की, तो जो भी इंक्रीमेंट हुआ है अब वो किसका होगा, वो बायर का होगा। तो थैंक यू, होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और प्लेलिस्ट को चेक करिए अपडेट्स के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू।